एवरीवन, मेरा नाम है अवनी। स्वागत करती हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सबको मैं सॉरी कह रही हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी इसलिए क्योंकि मैं 3-4 दिन से ना मतलब कहीं भी कुछ भी अपडेट नहीं किया है, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी इतनी ज़्यादा टेंशन वाली थी और सब लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। एंड मतलब मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी कुछ भी, ट्विटर वगैरह कहीं पे भी कोई भी अपडेट नहीं डाला था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और डीएम्स इतने सारे आए हुए हैं। एंड आप मेरी लास्ट वाली वीडियो पे अगर आप देखेंगे कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए सॉरी कह रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी वो ये आप सब लोगों का कि आप लोगों ने जो मेरी हिम्मत बंधाई है और इतनी दुआएं, इतनी विशेज, मतलब मैं उनको कैसे बटोरूं, कैसे आप लोगों का शुक्रिया करूंगी, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि थैंक यू, धन्यवाद, ये सब बहुत छोटे पड़ जाते हैं कभी कभार। और इसके अलावा कभी कभार कुछ ना कहने के लिए कुछ होता नहीं है, तो बस आप वही समझ लीजिए। आज मैं बस ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन आपको दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फैमिली अपडेट बता देती हूँ। तो जो मेरे पापा हैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं, एडमिट हैं, और लेकिन कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि 3 दिन पहले तो हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, भगवान करे ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए, मतलब समझ नहीं पा रहे थे, दिमाग तो चलना बिल्कुल बंद ही हो गया था बिल्कुल जैसे। लेकिन फाइनली अभी चीज़ें ठीक हैं। जो मेरे भैया हैं उनकी तबीयत कल रात थोड़ी सी मतलब डामाडोल हो गई थी, लेकिन फिर क्या, डॉक्टर के कहने में हम लोग, ब्लेस यू, तो डॉक्टर के कहने में हम लोग चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अभी एडमिट हो जाइए तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा जो मेरी मम्मी और जो भाभी हैं वो अभी घर पे ही हैं, और उनकी जो तबीयत है ना वो पहले से तो काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी कह रही हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उनको ऐसा मतलब ऑक्सीजन की कमी वगैरह ऐसे कोई कुछ फील नहीं हुआ है, सब चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं। दोनों घर और आ जाएं, बाकी सब मतलब क्या, फैमिली जो ना थोड़ी सी अलग अलग जगह हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर भी अब उस दिन से तो बहुत ज्यादा बेटर है। उस दिन तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब ऐसा मेरा दिल बैठा हुआ था। और आप में से कितने लोगों ने इतनी प्यारी विशेज, ओ माय गॉड, और कितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि मतलब जो हमारे इन लॉज हैं या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ ये कंडीशन थी, तब भी वो लोग रिकवर कर गए। तो मतलब उससे क्या ना मुझे भी एक हौसला सा आया कि हाँ, कि मतलब रिकवरी हो सकती है, पापा भी अब अच्छे हो जाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मम्मी जैसे हमें बता रही थी कि जो जितने भी हमारे नेबर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, सबको पता था कि कोरोना हुआ है, लेकिन तब भी वो घर पर मतलब दूर से ही भले ही सही, लेकिन वो चीज़ों को अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मतलब इधर से दौड़ भाग सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद अब जब वो हॉस्पिटल में है तो जो मेरा कज़न है, मेरी जो बुआ का बेटा है, वो सब चीज़ें हैंडल कर रहा है। तो भगवान कब किस रूप में आ जाए पता नहीं चलता, लेकिन फाइनली अब सब कुछ बेटर हो गया है। तो बस अभी मैं क्यारा को 3 दिन से ना 3-4 दिन से क्यारा भी को बाहर घुमाने नहीं लेके आ रही थी, मैं मन नहीं कर रहा था, मैं सोची थी बेटा ऐसे ही घूम ले, मतलब ऐसे ही घर में रह ले, तू टीवी चला ले, ना उसके साथ खेल पा रही थी मैं, तो बस इसका खाना पीना भी ऐसे ही चल रहा था। लेकिन फाइनली अब थोड़ा सा इसे घुमाने के लिए लेके आई हूँ बाहर। हाँ, सबको हेलो तो बोल दो, यहाँ पे आके बोलो हाय। अच्छा, आपने हेयरबैंड कहाँ फेंक दिया अपना? हेयरबैंड ढूंढ के ला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस अभी से घुमा करके बाहर अंदर लेके जाऊँ, मतलब घर पे लेकर के जाऊंगी। और सच बताओ ना, वीलॉग मैंने नहीं बनाया था, ये 3 दिन में ना मन नहीं करा, सच में आप समझ सकते हैं, नहीं मन किया वीडियो बनाने का। लेकिन इससे पहले ना मैंने क्यारा की वार्डरोब तैयार करी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत बन के आई थी, और उसमें मैंने जो एक ऑर्गेनाइजर मंगाया था ना उसका रिव्यू भी मैंने दिया है, तो आप जाकर के देखिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो अभी जो आप ये क्लोज़र देख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या रखे सभी जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ, और इसमें जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सब मैं निकाल के बाहर रख दूँगी, और उनके लिए कहीं और जगह बनानी पड़ेगी अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक जगह ना केवल और केवल क्यारा के लिए ही रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी चीज़ें फिर इधर उधर भागेंगी और फिर मुझे चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो बेटर है कि एक जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस सारी चीज़ें मैंने इसमें जितनी भी ऑलरेडी रखी हुई थी वो सब निकाल ली हैं, थोड़ी सी मैंने उसके अंदर सफाई भी कर दी है, और अब ये जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, उसको मैं असेंबल कर लूँगी। और असेंबल करना बहुत ही आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब मैनुअल वगैरह भी इसमें कुछ नहीं दे रखा था, तो आप नॉर्मली इसको असेंबल कर सकते हैं, बहुत ईजी था। अभी आप ये जो पूरी वार्डरोब अगर देख रहे होंगे, यानी कि पूरी जो क्लोज़ेट अगर आपने देखी है, तो यहाँ पे ना अलमीरा नहीं है, बस एक सबसे ऊपर आपने देखी होगी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और नॉर्मली अमेरिका में डिज़ाइन ही पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं वो लोग कि अलमीरा देते ही नहीं है यहाँ पर, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना तो ये ख़रीदने ही पड़ते हैं। तो अभी मैं इसलिए ख़रीदा है ताकि जो इसके रोज़मर्रा के टाइम में जो कपड़े यूज़ होते हैं ना वो ताकि मैं अच्छे से अरेंज कर सकूं, क्योंकि अभी तक नहीं था इसमें। एंड हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इस क्लोज़ेट में मैं ज़्यादातर अपनी कोट्स वगैरह या फिर जैकेट्स वगैरह जो थी वो अरेंज किया करती थी, या फिर जो नॉर्मली जो लॉन्ड्री के लिए कपड़े जो जाते हैं तो वो मैं यहाँ पर रख लिया करती थी। तो अभी तक तो इस तरीके से चल रहा था, लेकिन अब ज़रूरत थी कि हाँ क्या रहा कि एक अलग से वार्डरोब होनी चाहिए, क्योंकि उससे कपड़े कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका में तो इतना मुश्किल है ना कपड़ों को अरेंज करना, रखना, स्पेस का इतनी ज़्यादा मतलब शॉर्टेज होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस कुछ इसलिए मैंने यहाँ पर ये मंगाया है, और अब वो फाइनली जो पूरी अलमीरा है इसकी वो तैयार हो चुकी है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किए हैं चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो सारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है और काफी कुछ चीजें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कौन सी चीज मैंने किस तरीके से अरेंज करी है। एंड ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाया है इसकी भी जो रिव्यू है वो मैं भी आपको देने वाली हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो जो ऑर्गेनाइजर है ये मैंने इंडिया से लेकर के आई थी, और ये कपड़ा मटेरियल है। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें मैंने रखा है क्यारा की जो गर्मियों में वो कपड़े पहनने वाली है, स्कर्ट है, फ्रॉक है, कुछ सूट्स हैं, वो सब मैंने इसमें रखे हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैंने रखे हैं जो भी वो स्पेशल ओकेजन पे जो पहनेगी, जैसे होली दिवाली या फिर जैसे बर्थडे पार्टी में कहीं जाना हो, तो उसके लिए मैंने ये फ्रॉक्स जो है ना वो इसमें रखे हैं। तो ये ऊपर का जो पार्ट है वो डन हो गया है। ओके, जो ये ऑर्गेनाइजर आप जो देख रहे हैं ना ये भी मैं इंडिया से लेकर के आई थी, एंड ये मेरे बहुत ज्यादा काम आए हैं। एक्चुअली क्या ना इसमें काफी ज्यादा पॉकेट्स भी हैं, 1 2 3, और काफी डीप हैं, तो इसमें जो मैंने काफी कुछ सामान इसके अंदर रखा, जैसे इसकी कुछ ज्वेलरीज वगैरह हैं, बैंगल्स हैं, तो वो सब मैंने इसके अंदर रख दी है। एंड मेरी भी कुछ कुछ चीजें इसके अंदर आ गई हैं, क्या रहा कि जो मास्क वगैरह है वो भी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, तो काफी ज्यादा स्पेस है इसमें जो मुझे काफी काम आया है। इसके बाद जिसके जितने भी हेयर बैंड्स वगैरह हैं, भी क्लिप है, वो सब मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हेयर बैंड थे ना वो पहले मैंने एक बॉक्स के अंदर किए हुए थे, और कितनी बार वो नजर आते नहीं है तो फिर लगाना भूल जाती हूँ या फिर आलस कर जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। एक तो खूबसूरत भी लग रहे हैं, देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और दूसरी चीज के सामने रखी हुई चीज ना जल्दी हाथ में आ जाती है और फिर उसका यूज भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक यहाँ पर ये डन हो गया। इसके पीछे जो अगर आप देखेंगे तो ये क्यारा का एक बैग है, क्यारा की बुआ ने इसको गिफ्ट किया था, तो ये बैग मैंने इसके अंदर रख दिया है, और बैग के अंदर भी मैंने कुछ कुछ चीजें रखी हैं वो इसी की रखी हुई हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जो फ्यूचर में इसके काम आएगा बैग। इसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजर है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे लगा है, एंड सच्ची में कहूँ ना इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत ज्यादा, एक तो प्लास्टिक में है, दूसरी चीज ना कितनी बार जैसे अमेरिका में ज्यादातर वो कपड़ा वाला जो मटेरियल होता है ना वो चलता है, लेकिन ये जो वो क्या ना कुछ टाइम के बाद लटकना शुरू हो जाता है, और कितनी बार ना उसमें कपड़े भी अच्छे से मतलब रखे नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाला जो मैंने लिया है ये मैंने यही सोच के लिया था कि एटलीस्ट ना ये लटकेगा नहीं, और मतलब जैसे इसमें कपड़े जैसे रखे जा रहे हैं वैसे ही रखे रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखें, और ये अमेजोन पर मैंने $27 में इसको खरीदा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद जो आप ये वाला जो
बॉक्स देख रहे हो, ये भी मैं इंडिया से ही लेकर के आई थी और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें जितने भी मेरे ऊनी कपड़े हैं क्यारा के, वो सब मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और ये तो खैर इसका एक डायपर बैग जो मैंने लिया था, और इसमें भी काफी कुछ सामान रखा जाता है इसका, जैसे इसका ब्लैंकेट वगैरह इसमें रखा हुआ है, और भी दो चार चीजें हैं, और कुछ मेरी भी जैसे ज्वेलरी वगैरह जो मैं क्या से छुपा करके रखना चाहती हूँ तो मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि अभी आजकल यूज में नहीं आ रहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो दैट्स इट, ये कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर रखी है क्यारा की जो वार्डरोब है। एंड यहाँ पर अभी ना पूरे जितने कपड़े इसके आने थे वो सब आ चुके हैं। एंड अगर मुझे इन फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा ऑर्गेनाइजर ना एक और खरीद लूंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। मतलब इसका जो जो पर्पस था ना मेरा, वो हल हो गया है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एंड जो वार्डरोब है ना इसकी, बहुत अच्छे से अरेंज हो गया। मैं लिटरली खुश हूँ फाइनली कि इतनी अच्छे तरीके से अरेंज हो गया। बस एक बार ही बोलना तो बेटा, मम्मा मम्मा नहीं बोलना, बोलो मम्मा मम्मा पापा। अच्छा पहले बोलो सॉरी। कैसे बोलती है क्यारा? सॉरी सॉरी बोल रही हो आप? तो यही थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कर दो डन डन कर दो, एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना। चलिए मिलूंगी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो बाय बाय बाय।